नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो RSA की न्यू वैकेंसी है उसके बारे में बात करेंगे। कंप्लीट डिटेल से फुल डिटेल से जानकारी देंगे आज, और वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर आप YouTube चैनल पर पहली बार विजिट गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। इसमें सबसे पहले RAS 2023 की कुल पोस्टों की बात करें, 905 पोस्ट रहने वाली है। इसके अंदर राज्य सेवा की बात करें तो 424 और अधीनस्थ सेवा की बात करें तो 481 पद रहने वाले, जिसके ऑनलाइन आमंत्रित कर दिए गए हैं। जिसकी बात करें तो ऑनलाइन आवेदन की और इसकी क्या योग्यता रहने वाली, क्या हम अब से फाइनल ईयर के अंदर हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। जो भी डाउट और कन्फ्यूजन हो सारी आपको मैं एक बार डिटेल से जानकारी दे दूंगा। और भी अगर आपको कोई डाउट और हो तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर कर देना। ये RPSU द्वारा जो न्यू नोटिफिकेशन है जारी कर दिया है, जिसके अंदर सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके अंदर साफ साफ देख रखे शैक्षणिक योग्यता, अगर आप अंतिम ग्रेजुएशन की अगर आप अंतिम वर्ष में सम्मिलित हो गए हो या अगर अभी सम्मिलित होने वाले की आवेदन कर सकते हो अभी, अगर या आप फाइनल ईयर अगर आपने कर लिया है या आप करने वाले हो अभी, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में इसकी बात करेंगे आयु सीमा के बारे में। आयु सीमा अगर आपके 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, 21 वर्ष की कब होनी चाहिए, इसमें 1/1/2024 तक आपके कम से कम मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए। जो योग्यता के अनुसार इसके अंदर छूट रहने वाले अलग अलग, जिसके बाद में नेक्स्ट बार इसके बारे में बात करेंगे। इसकी चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, चयन प्रक्रिया में सबसे पहले इसके अंदर परीक्षा होने वाली है, उसके बाद में साक्षरता, आपका इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा सर। उसके बाद हम बात करेंगे परीक्षा की डेट के बारे में, इसकी संभावित कब इसका एग्ज़ाम हो सकता है। इसकी बात करें तो 7/10/2023 में इसका संभावित एग्ज़ाम करने के लिए 2 मंथ के अंदर, अगर सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इसके बाद परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम की बात करें तो योजना इसका एग्ज़ाम अगर आपका ऑफलाइन या ऑनलाइन भी हो सकता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहने वाले प्रथम प्रारंभिक परीक्षा के बाद में प्री के और मेंस की बात करें तो वर्णात्मक मतलब आपके प्रश्न रहने वाले, उसके बाद में वो पाठ्यक्रम आपको वेबसाइट पर प्रोवाइड करवा दीजिए, राजस्थान RPSU राजस्थान government.gov पर जाकर आप वहां से पाठ्यक्रम डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे इसके आवेदन की, आप कब से कब तक इसके आवेदन कर सकते हो। आवेदन की बात, आवेदन अवधि की बात करें 1/1/2023 से लेकर 31/1/2023 रात्रि के 12 बजे तक आप इसके आवेदन कर देने हैं। आवेदन की प्रक्रिया की बात करें आपको ऑनलाइन आवेदन करने होंगे, RPSU राजस्थान government.in पर आप जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो आप। इसके अलावा आप SSID के माध्यम से आप अपने जाकर वहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट इसकी बात करेंगे आवेदन करने के लिए लगभग इसके आपका कितना शुल्क लगने वाला है, जिसके अंदर SC ST जनरल OBC की बात करें तो 600 रुपये लगने वाला है। SC जनरल और OBC के 600 रुपये लगने वाले, SC ST की दिव्यांगजनों की बात करें तो उसके 400 रुपये आपके मिनिमम फीस लगने वाली है। और आपका कोई डाउट और कन्फ्यूजन हो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसके द्वारा जो RPSU द्वारा आयोजित नोटिफिकेशन जारी किया है, वो नोटिफिकेशन है मतलब कंप्लीट पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल से देने की पूरी कोशिश की है। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट और कन्फ्यूजन हो जो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।